हेलो फैमिली, इंसान को गलती का पुतला माना जाता है और जब गलती का एहसास इंसान को होता है तब तक कई बार बहुत सारी देरी हो जाती है। दोस्तों, जब हम मोहम्मद रफी साहब के गीतों का जिक्र करते हैं और कुछ गीतों पर जब कभी भी हम बात करते हैं, इस गीत में ये गलती हुई थी क्या, हम पूछते हैं आपसे सवाल और सत्य को आप सभी के सामने रखते हैं। हो सकता है उस गीत के अंदर गलती हो सकती है संगीतकार की भी, कुछ ऑर्केस्ट्रा बजाने वाले फनकारों की भी, हो सकती है कवि गीतकार की भी, हो सकती है फीमेल गुलूगार, हो सकती है मेल गुलूगार की, और हो सकती है मोहम्मद रफी साहब की भी। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब का ये जो पूरा हमारा परिवार है, पूरी उनकी जो फैन क्लब है, उनकी ओर से हमारे वीडियोस पर कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये गलती नहीं है, आपको ऐसे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब भी एक इंसान ही थे। हो सकता है गीत बनाने के, गीत को कंप्लीट करने के हेतु उस छोटी सी गलती, और हो सकता है हम जिसे गलती मान रहे हो वो गलती उस हिसाब से शायद ना भी हो या हमारे हिसाब से शायद ना भी हो, लेकिन हमारा मकसद कहीं भी कभी भी किसी के दिलों को ठेस पहुंचाने का नहीं। मोहम्मद रफी साहब के गीतों को डिटेल से सुनने वाले जो उनकी पूरी दुनिया की फैन फॉलोइंग है, उन सभी तक एक ये किस्से के जरिए गीत को सुनने का नया मौका देने का ही हमारा मकसद होता है। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल आता। आज के वीडियो के थंबनेल पर आपने देखा होगा कि हमने दिखाया है कि गीतकार ने ये क्या लिख दिया। जी हां, आज का जो वीडियो है खास तौर से मोहम्मद रफी साहब द्वारा गाए हुए एक गीत के बारे में एक ऐसी बात है जो किसी भी सोशल मीडिया पर कहीं भी कभी भी दिखाई नहीं गई है। गाना रहा है अपने दौर का बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही कामयाब गाना। साल 1964 में एक फिल्म आई थी राजेंद्र कुमार जी और वैजयंती माला जी द्वारा अभिनीत। फिल्म का नाम था जिंदगी। फिल्म जिंदगी के लिए गीत लिखे थे हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब की मकबूल तरीन प्यारी सी जोड़ी ने। इस फिल्म के सभी गाने बड़े ही हिट हुए थे, बड़े ही मेलेडियस गाने थे, लेकिन मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत बड़ा ही पॉपुलर रहा है आज के दौर पर भी। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने आया, हाय कुर्बान जाऊं। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत के लिरिक्स बड़े ही प्यार से और खूबसूरत अंदाज में लिखे थे, लेकिन इस गीत में एक ऐसी, हो सकती है ये गलती ना हो, लेकिन कुछ मिस इंटरप्रिटेशन जरूर से इस गीत के लिरिक्स में उमड़ करके बाहर आ रहे हैं। इस गीत के इस गलती के बारे में हमारा ध्यान आकर्षित किया बरोड़ा की मोहम्मद रफी फैन क्लब है, उनके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र शाह जी, जिन्होंने खास तौर से इस किस्से को हमारे साथ शेयर किया है। राजेंद्र शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है हमारे रफी फैंस की पूरी दुनिया की फैन फॉलोइंग इस बात को जरूर से गौर फरमाएंगे। इस गीत का पहला अंतरा कुछ ऐसा है, ए सांवली हसीना दिल मेरा तूने छीना। तो हसरत जयपुरी साहब ने जिस कैरेक्टर को, यानी इस फिल्म की हीरोइन वैजयंती माला जी को मद्देनजर रखते हुए अगर ये लिरिक्स लिखे हैं,
ए सांवली हसीना। तो तय बात यह है कि इस फिल्म की हीरोइन है, उसका रंग है थोड़ा सांवला सा। लेकिन हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत का जब तीसरा अंतरा लिखा, गर जूम के चलो तुम ए जाने जिंदगानी, तीसरे अंतरे की जो क्रॉस लाइन है उसमें हसरत साहब ने लिखा है, गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आ, गोरे बदन पर काला आंचल और रंग ले आया। यहां पर हसरत साहब लिखते हैं कि गोरे बदन पर, तो एक ही गीत पर गीतकार के कुछ जो अल्फाज हैं, उनके जो लिरिक्स हैं, जो हीरोइन का जो कैरेक्टर है, उनको कुछ अंदाज में जस्टिफाई कर नहीं पा रहा, ऐसा कुछ श्रोताओं का मानना है, हमारा ये बिल्कुल नहीं कहना। लेकिन दोस्तों, आप सभी को ये गाना डिटेल में सुनने की बेहद ही खुशी मिलेगी, इसी हिसाब से आज का वीडियो हमने खास तौर से आपके लिए बनाया है। अगर ये गलती समझें तो गलती है, अगर गलती नहीं है तो भी ये गाना बना बेहद ही खूबसूरत है। सभी उस दौर के लेजेंडरी गीतकार, संगीतकार और खास तौर से मोहम्मद रफी साहब को सैल्यूट करते हैं। प्रस्तुत है आज का विचार बिंदु। खुद का वजूद भी जरूरी है, दूसरों के सहारे जिंदगियां नहीं गुजरा करती। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम इंतजार करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी मोहम्मद रफी साहब की कला यात्रा से जुड़ी हुई नई कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वॉटर, सेव अवर मदर अर्थ।